दूध जो कि रेडी हो गया है, और ऐसे नहीं इसमें थोड़ा और पानी डाल। तो हेलो दोस्तों, दिल से नमस्कार है। आज भाभी जी क्या करने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। हेलो दोस्तों, जा रही हूँ नारियल का दूध निकालने के लिए। तो नारियल पहले बता देती हूँ आप सभी से, नारियल कच्चा लेके ऐसे छोटा छोटा काट लेना है, और रूम टेम्परेचर पानी लेना है, मतलब ज्यादा ठंडा ना हो, मतलब फ्रिज का पानी ना हो, और नॉर्मली। तो हम दूध इसका बना के दिखाते हैं, आप लोग ऐसे ही बने रहिए, हम दिखाते हैं। तो इधर देख सकते हैं मिक्सी चल, देख सकते हैं दूध बन रहा है धीरे 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 बन रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो हेलो दोस्तों, इधर देख सकते हैं मेरा दूध जो कि रेडी हो गया है, और ऐसे नहीं इसमें थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद दिखाती हूँ कितना गाढ़ा। तो दोस्तों इधर ध्यान से आप लोग देख लीजिए, क्या इससे भैंसा दूध से कम है क्या, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हम एक ही मिनट में सब दूध निकाल दिए, एक मिनट भी नहीं हुआ, और एकदम मतलब जैसे लगेगा ना कि भैंस का दूध है, इतना गाढ़ा है। और कुछ मैं ज़्यादा ही कैसी दिख रही हूँ, और निकाला कौन है, और इतना खुज्जा निकला है देख सकते हैं। और ये खुज्जा को हम लोग फेंकते नहीं हैं, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा इलायची और थोड़ा खजूर और गुड़ मिला के इसका लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बहुत स्वादिष्ट, थोड़ा बादाम डाल के इसको, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। मतलब ये दूध को आप लोग कभी भी गैस पे मत पकाइएगा, क्योंकि ये दूध गैस पे पकाने से जितना आपको ये मतलब ताकत मिलती है, वो गैस के पकाने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। ये प्राकृतिक हमको दूध देती है, तो प्राकृतिक जैसे देती वैसे ही खाना चाहिए, कभी भी उसमें से निकाल के नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा दूध है, क्या बताऊँ आप सभी को। आप कभी देखे थे ऐसा दूध? नहीं देखे थे ना। तो दोस्तों कोई नहीं देखा था ऐसा दूध, जो कि मैं पहली जिंदगी में पहली बार। और इसका नहीं, बादाम का भी दूध बनता है, आप लोग देख लीजिएगा। कल बादाम का दूध बनाएंगे। कहाँ इतना बादाम बा? सुबह लाएंगे खरीद के दुकान से। दोस्तों आज दिन भर हमारी शूटिंग हुई है, हालत जो कि खराब हो गया है, हम लोग का अभी पूरा नहीं हुई है, कल और होगी, हालत पंचर हो गया है। दो दिन शूटिंग होने के बाद वो फाइनली होगा, कल नहीं परसों पड़ जाएगा ना। तो इसका दोस्तों, ये दूध का मैं जा रही हूँ बनाने के लिए खीर। तो खीर कैसे बनाऊंगी पता है आप लोग को, चावल और जो भी पकाना है पका लेंगे, लास्ट में पकाने उकाने के बाद लास्ट में दूध डालना है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, इस तरह से ही बनाना है। और अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर जो भी दिक्कत है आप सभी को, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम वो दिक्कत को मतलब सुलझा मतलब बताएंगे कैसे ठीक होगा, दवाई भी जानते हैं। तो ठीक है, बाय बाय टाटा।